नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि लाल मिर्ची का अचार घर में कैसे बनाएं। 2-3 साल तक आसानी से आप इसे संभाल कर रख सकते हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया रहता है। दोस्तों, लाल मिर्ची का अचार कैसे बनाना है इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जो सामग्री लगेगी वो हमें लगेगी दोस्तों लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, लाल मिर्च जो है आपको मिल जाएगी बाजार में। ये देखिए, तो ये जो है मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है, तो 500 ग्राम लाल मिर्च मैंने ली है और अच्छे से धोने के बाद इसके डंठल को मैंने काट लिया है और काटने के बाद इसमें बीच में चीरा लगाकर इसको मैंने धूप में 2 घंटे के करीब जो है मैंने इसको सुखाया है। जी हाँ दोस्तों, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मिर्ची, इसको बीच से चीरा दे दिया बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये मिर्च का अचार आप जरूर घर में बनाइए। तो मैंने ये 500 ग्राम मिर्ची ली थी, तो इसका मैं अचार और इसकी जो है सामग्री वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सामग्री में हमें चाहिए राई की दाल चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है 250 ग्राम। यहाँ दोस्तों ये सब भून के रखा हुआ है, तो 250 ग्राम जो है हमें राई की दाल चाहिए, बाजार में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा मेथी, जी हाँ दोस्तों मेथी चाहिए, 2 चम्मच मेथी के दाने भुने हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं भून के रखा हुआ है। तो सारे मसाले मैंने भून के रखे हैं। सौंफ, बड़ी सौंफ है, 2 चम्मच चाहिए हमें, तो इसको भी भून के रखा हुआ है, तो सौंफ चाहिए हमें 2 चम्मच। इसके अलावा हरा धनिया जो होता है दोस्तों, उसके जो दाने होते हैं यानी कि सूखे हुए जो धनिया होती है वो हमें 4 चम्मच चाहिए। आप देख ही रहे हैं तो ये भुना हुआ है, तो 4 बड़े चम्मच धनिया। और इसके अलावा अजवाइन, 2 चम्मच अजवाइन चाहिए, ये भी भुना हुआ चाहिए। तो अजवाइन हमें 2 चम्मच चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हमें चाहिए जीरा, तो 2 चम्मच हमें जीरा चाहिए, ये भी भुना हुआ चाहिए। तो सारे मसाले मैंने भुने हुए लिए हैं, तो आप भून लीजिएगा सब मसाले। तो जीरा, अब ये है सेंधा नमक, तो 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक चाहिए 500 ग्राम लाल मिर्च में। काला नमक भी बोलते हैं इसको दोस्तों, तो ये पीसा हुआ है। इसके अलावा हमें जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता दूं, कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी चाहिए हमें, तो कलौंजी जो है अचार में डालते हैं वो भुना हुआ। इसके अलावा काली मिर्च 1 चम्मच भुनी हुई, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। तो हर सामग्री को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच जो हमें हींग पाउडर चाहिए, तो ये आप देख ही रहे होंगे हींग पाउडर, तो हींग पाउडर चाहिए हमें 1 चम्मच। तो हींग डालने से खुशबू बढ़िया आती है दोस्तों। इसके अलावा चाहिए दोस्तों आमचूर, जी हाँ दोस्तों आमचूर का पाउडर, आम का पाउडर, तो ये हमें 2 चम्मच चाहिए। तो 2 चम्मच जो है आमचूर का पाउडर। अगर वैसे तो लाल मिर्च का जो अचार है ज्यादातर लोग जो सिर्फ आमचूर पाउडर में ही बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1 नींबू चाहिए हमें बड़ा। तो सारे मसाले को अच्छी से जो है हम भून चुके हैं, अब सब इसके बाद मैं आपको सूखे मसाले बता देता हूं। 1 बड़ा चम्मच हमें नमक चाहिए, 1/2 आकार में 1 लाल मिर्च का जो है हमें पाउडर चाहिए, तो 1/2 चम्मच जो होता है उसका हमें 1 चम्मच चाहिए, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए। तो जैसे कि आप देख ही चुके हैं दोस्तों, सारे मसाले जो है अच्छे से भुने हुए हैं। अब इसको हम मिक्सी में अच्छे से पीसेंगे। तो मिक्सी में पीसने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई का तेल। तो राई का तेल हम करीब जो है इसमें 100 ग्राम डालेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने डाल के रखा हुआ है और आपको दिखा भी रहा हूं, तो ये है राई का तेल, इसमें मिलाया हुआ है मसाले में करीब 100 ग्राम और 400 ग्राम जो है तेल जो है राई का वो अलग रख लेंगे।
तो दोस्तों इसका जो मेन काम जो है वो ये है कि इसमें मसाला भरना। तो दोस्तों अब मिर्च में हम मसाला भरेंगे, बिल्कुल टाइट भरना है। देखिए ध्यान से देखिए किस तरह से भरना है, एकदम से उसमें एयर नहीं होना चाहिए, अच्छी से एकदम टाइट भर दे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है लाल मिर्ची का अचार जो है वो खाली जो है आमचूर पाउडर में बनाते हैं। तो आमचूर पाउडर में बनाने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दांतों की समस्या होती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। इसलिए मैंने जो है ये खास किस्म का जो अलग प्रकार का मसाला है जिसको आप कोई भी खा सकता है, एकदम खट्टा भी नहीं लगेगा और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मिर्ची के जो है चारों तरफ से जो पाउडर है उसको हटा दिया गया है और अब इसको जो है मैं तेल में डिबोऊंगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप, तेल में इसको एकदम डिप करना है अच्छी से बिल्कुल। और ये देखिए कांच के मर्तबान में इसको रखना है, तो कांच का मर्तबान बिल्कुल साफ है, सूखा है। अब इसी में मैंने मिर्ची रख दिया है और इसी तरह से जितनी मिर्चियां हैं मैं अच्छे से टाइट मसाला भरूंगा। आप देख लीजिए, फिर से भर के दिखा देता हूं मैं। ये मसाले को भरने का जो है प्रक्रिया है इसको अच्छी से समझ लीजिए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया से आप करेंगे तो आपका जो अचार है वो 2-3 साल तक कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 500 ग्राम लाल मिर्च और 500 ग्राम राई का तेल चाहिए हमें। तो ये देखिए इसको धीरे धीरे करके जो है मैं भरता जा रहा हूं और तेल में डुबो के देख लीजिए आप किस तरह से तेल में डुबोया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए आप। ये देखिए बिल्कुल डुबो के सिर्फ आपको जो है जो कांच का मर्तबान है इसमें रखना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इसके बाद इसको आपको करना कुछ नहीं है। इसके बाद जब पूरे मसाले भर ले तो इसको जो है कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आपको धूप में रखना है। तो ढक के अच्छी से धूप में रख ले दोस्तों, इससे क्या होगा कि मिर्च जो है बिल्कुल नरम पड़ जाएगी और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो मिर्ची को जो है अच्छी से भरिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मिर्ची कैसे भरना है, ये देखिए मसाला अच्छे से भरना है। मसाला बच जाए तो ऊपर से डाल सकते हैं, तेल बच जाए तो ऊपर से डाल सकते हैं, इसका स्वाद बड़ा ही यूनिक होता है। जरूर इसको जो है आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। कुछ पूछना चाहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये लाल मिर्च का अचार है और इसको जो है आपको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको जो है बस जैसे कि देख रहे हैं आप, डुबो डुबो के आपको इसमें रखना है। ये देखिए तेल में अच्छे से डुबोना है, इस तरह से सारे मिर्ची जो भी है उसमें जो है आपको करना है। तो जो है सारी मिर्ची जो है आप देखते जाइए कैसे जो है ये मिर्ची जो है इसमें जो है मैंने रखी हुई है, इसी तरह से बनाइए, धूप में रखिए कम से कम 15 से 1 महीने तक धूप में रखिए। इसके बाद आप रख लीजिए, हर मौसम में खा सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।